बलिया हत्याकांड में आरोपियों का पक्ष लेने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई, बीजेपी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर की बात, सुरेंद्र सिंह को नोटिस भेजने का सुनाया फरमान, कहा जांच में बाधा डालें तो सुरेंद्र सिंह पर हो सख्त कार्रवाई। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को मेडिकल चेकअप के लिए लाई पुलिस, जिला अस्पताल में कराई जा रही है मेडिकल जांच। धीरेंद्र सिंह को कल लखनऊ से गिरफ्तारी के बाद बलिया लाई थी एसटीएफ, लखनऊ से धीरेंद्र के साथ दो और आरोपियों की गिरफ्तारी। पीड़ित परिजनों ने की दोषियों के लिए फांसी की अपील, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी। मेरे से ज्यादा पहचानते हैं आपको, तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ की टिप्पणी पर इमरती देवी का छलका दर्द, फूट फूट कर रोई इमरती। इमरती देवी ने कहा बड़ा भाई मानकर कमलनाथ का छूती थी पैर, लेकिन दलित महिलाओं से नफरत करने वाला ये शख्स भाई बनाने लायक नहीं। तू इस लायक है ही नहीं, कमलनाथ तो राजनीति लायक नहीं है। राजनीति करने वे के लाख नन्हा, जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नियत कितनी खराब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ करें शर्म। जन्मभूमि के सवाल पर कमलनाथ पर बिफरे शिवराज, कहा मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय के पुराने बयान की दिलाई याद, कहा महिलाओं को एक आइटम बताता है तो दूसरा टंच, सोचे कैसी है इनकी नियत। जी के बारे में कि आइटम अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी, ये सोच है महिलाओं के प्रति। कमलनाथ की टिप्पणी पर पूरे राज्य में होगा विरोध प्रदर्शन, इंदौर में भाजपा का आज धरना, नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। खंडवा में सिंधिया की रैली में किसान की मौत, रैली में पड़ी रही लाश लेकिन चलते रहे भाषण। सिंधिया के मंच पर आने से पहले हुई किसान की मौत, सिंधिया का आरोप कांग्रेस कर रही है गुमराह। बीजेपी ने दलील, 80 साल का आदिवासी किसान पहले से था बीमार, रैली में ही पड़ा दिल का दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कृषि कानून को बताया काला कानून, पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप। सुकमा में नक्सली साजिश से बाल बाल बचे जवान, आईईडी बरामद। हैदराबाद में बारिश के बाद सैलाब से हुई तबाही की नई तस्वीर आई सामने, मलबे में दबी नजर आई तमाम गाड़ियां। तबाही का ये वायरल वीडियो बंडाला गुड़ा की सुभान कॉलोनी का बताया जा रहा है, कीचड़ और मलबे से पटा है पूरा इलाका। हैदराबाद के में सैलाब की तबाही में जा चुकी कई लोगों की जान, तेलंगाना में सैलाब से हुई 50 लोगों की मौत। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके में गलियों में बारिश के बाद बहते दरिया जैसे थे हालात, लोगों को हुई भारी क्षति। भदोही में विधायक विजय मिश्रा पर रेप का केस दर्ज, 25 साल की महिला से बलात्कार का आरोप, 2014 का है केस, इस वक्त जेल में बंद हैं विजय मिश्रा। विधायक विजय मिश्रा के साथ ही पुलिस उनके बेटे समेत निषाद पार्टी के कुल तीन लोगों पर दर्ज रेप का केस, एक गायिका ने दर्ज कराया मुकदमा। बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के दोषी बुजुर्ग को दी 7 साल की कैद की सजा, 2010 में 3 साल की मासूम से 75 साल के शख्स ने की थी दरिंदगी। दिल्ली में फिर बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का स्तर, जहरीली हो रही है आबोहवा। दिल्ली में स्वच्छ जागरण मंच कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।
पाली में दर्दनाक हादसे में एक शख्स की गई जान, तीन गाड़ियों की हुई टक्कर। असम मिजोरम में सीमा विवाद पर हिंसा, आगजनी, कई लोग जख्मी। प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला, असम मिजोरम में हिंसा का मामला, हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय रिजर्व वाहिनी तैनात। खरगोन में शराब लेने के लिए हुआ विवाद, दुकान में घुसकर की गई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पैतृक गांव शहर बन्नी बदहाल, गांव में न अस्पताल न पक्की सड़क। सरहद पर पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा, एलओसी के करीब 80 आतंकवादियों के साथ सक्रिय है पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन की टीम। एलओसी के करीब बैट के साथ लॉन्चिंग पैड्स का चला पता, उरी गुरेज तंगधार केजी और बीजी सेक्टर के करीब बनाए गए हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड। कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश पर फौज का आघात, लश्कर से जुड़े दो लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी, मरियम नवाज ने ट्वीट कर दी जानकारी, होटल से पति को किया गया गिरफ्तार। पति की गिरफ्तारी पर बिफरी नवाज शरीफ की बेटी मरियम, पीएम इमरान खान को बताया डरपोक। आईपीएल में कल जमकर मचा धमाल, आईपीएल के इतिहास में एक दिन में ही दर्शकों के हिस्से आया 3 सुपर ओवर्स का रोमांच। पहले मैच में सुपर ओवर के जरिए विजेता बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने बनाए थे 5 विकेट पर 163 रन, लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद भी 6 विकेट पर 163 रन ही बना सकी, सुपर ओवर में जीता कोलकाता। दूसरे मैच में 2 सुपर ओवर के बाद मुंबई इंडियंस के हिस्से आई हार, पंजाब बना विजेता। मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर बनाए थे 176 रन, लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन पंजाब भी 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी, सुपर ओवर की आई नौबत। सुपर ओवर में बुमराह के सामने पंजाब के बल्लेबाज महज 5 रन ही बना सके, लेकिन शमी के आगे मुंबई ने भी 5 रनों पर ही किया सरेंडर, दूसरे सुपर ओवर की आई नौबत। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने बनाए 11 रन, लेकिन पंजाब ने गेल और मयंक अग्रवाल की बदौलत आसानी से हासिल किया 12 रन का लक्ष्य। इससे पहले पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने खेली थी शानदार पारी, महज 51 गेंदों पर बनाए 77 रन। केएल राहुल ने अपने 77 रन में 7 चौके 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल के अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल पहले पायदान पर काबिज, दिल्ली के 9 मैच में है 14 पॉइंट, मुंबई इंडियंस का 12 अंकों के साथ दूसरा नंबर। आईपीएल में 12 अंकों के साथ आरसीबी तीसरे और 10 अंकों के साथ केकेआर चौथे पायदान पर काबिज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।